उधर महाराष्ट्र में मुसलमानों और मराठाओं को सरकार आरक्षण देगी इस बारे में ऐलान तो हो गया, लेकिन सरकारी फरमान अब तक बाहर नहीं आया, निकला नहीं। 11वीं के दाखिले शुरू हो गए और ऐसे में कम से कम सरकार शिक्षा के क्षेत्र में इसे कैसे लागू करेगी, इसको लेकर असमंजस बरकरार है। तत्काल लागू होगा। सीएम साहब ने जो कहा वो अब तक नहीं हुआ। मराठा और मुसलमानों को आरक्षण देने के ऐलान पर 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शासन का कागजी आदेश अब तक नहीं आया है। बिना लिखित आदेश इसे शैक्षणिक संस्थानों और नौकरी में लागू नहीं किया जा सकता। अगर ये कांग्रेस या राष्ट्रवादी बहुत ईमानदारी से करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार का आरक्षण कानून में संशोधन करते, क्वांटिफिकेशन सीरियसली करते, और ये होने के बावजूद कोई ना कोई इसके विरोध में कोर्ट में जाएगा ये पता होने पर कैविट दाखिल करते हैं। ना इन्होंने कैविट किया, ना इन्होंने कानून में संशोधन किया, ना इन्होंने क्वांटिफिकेशन ठीक ठाक किया।